नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान मुंडे। मुंडे इवेंट्स हब में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी माता पिताओं के चरणों में मेरा नमन है। आज के इस परिवेश में, कोरोना जैसी महामारी के आवेश में पूरा विश्व परेशान है, साथ साथ हमारे बच्चे भी बहुत सारे परेशान हैं। 4 महीना हो गया घर में बंद 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 सब चल रहा है, और साथ ही साथ माता पिताओं का ऊपर से बच्चों के ऊपर भी बर्डन है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, बच्चों को क्लासरूम ही नहीं मिला है, तो बच्चा पढ़ाई करने में रुचि कैसे रखेगा। पर फिर भी आज का जो विषय है, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके अंदर पढ़ाई का एक इंटरेस्ट कैसा जागृत होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आए थे। इसके लिए मुझे ये प्रेरणा मिली आपके थ्रू ही कि इस काम के ऊपर हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे ले, इसके ऊपर काम करना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग छोटे से इस प्लेटफॉर्म से, मुंडे इवेंट्स हब की ओर से, आपके जो भी बच्चों के प्रश्न हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का विषय है अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा स्वाभिमान के साथ हमारे बच्चों को अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, खेल खेल खेलते ही रहते हैं, साथ में मोबाइल में पड़े रहते हैं, गेम में पड़े रहते हैं, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि आज इतने साधन आए हैं। पहले के ज़माने में साधन नहीं थे, पर अभी बहुत सारे साधन आए हैं। उनके सामने बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी आए हैं, पर स्मार्टफोन की वजह से अच्छा ही तो है, उसके साथ फिर बच्चों के लिए एक थोड़ा सा ज़्यादा अगर बच्चे मोबाइल यूज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी उनके ऊपर हो रहा है, ये आप सबको पता है। तो यही प्रश्न आपके आए थे, इसके लिए मुंडे इवेंट्स हब का जो तैयारी है, खास करके ट्राइबल एरिया में बहुत सारे ऐसे लर्निंग टूल्स के प्रॉब्लम है, पर फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस हिसाब से हमारे लिटिल मास्टर कौशल्या मुंडे, ये आपके बच्चों के लिए हंसते खेलते पढ़ाई में रुचि कैसे आए, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आपको सिर्फ मुंडे इवेंट्स हब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स भेजना है, ताकि उसके ऊपर हम आपके बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके ऊपर काम करें, और हंसते खेलते बच्चों को पढ़ाई में रुचि कैसे आए। बच्चों को प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो बच्चे परीक्षा में उत्तर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो शब्दार्थ है, भले इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, गुजराती के हो, जो शब्द है वही बच्चों को समझ में नहीं आए, उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए लिटिल मास्टर ने एक वर्ड बैंक का प्लानिंग किया है। एनसीईआरटी के जो बुक्स आए हैं अभी, एनसीईआरटी के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक, हर एक लेसन के जो हार्ड वर्ड्स हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके बच्चों को यहाँ पर उपलब्ध किए जाएंगे। इसके लिए आज से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उस युक्ति के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उत्साह के साथ आपके बच्चे एक मुंडे इवेंट्स हब में खाली शैक्षणिक ही नहीं, फिजिकली भी फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, और आगे उनका जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्राइट रहेगा। ऐसे हम लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपके इस
उत्साह को दुगना करने की कोशिश करेंगे। बस आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा है। आपको बच्चे को आपके जिस जिस तरह के प्रश्न हैं, तकलीफ है, वो हमारे साथ शेयर करें, तो हम लोग उस हिसाब से फिर मेंटली, फिजिकली एंड सबसे महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन। बच्चे की एकाग्रता नहीं बढ़ती है, बच्चे चंचल होते हैं, उनकी मन बुद्धि सब चंचल है। उनको स्थिरता अभ्यास में, स्टडी में स्थिरता कैसी लाना है, खाली थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको नमन करता हूँ और मुंडे इवेंट्स हब इस चैनल के माध्यम से हम लोग भगवान को एक बार प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः।